दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ, आप देख रहे हैं एजी मत हाउस चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे फार्मिंग इन इंडिया के बारे में। जी हाँ, फार्मिंग इन इंडिया, और इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा जो है फार्मिंग किया जाता है, यानी कि खेती किसानी ज़्यादा, कृषि कार्य लोग जो है ज़्यादातर करते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास बहुत कम जगह है, ठीक है, बहुत कम जो है घर बाड़ी ही है, वहाँ भी जो है आप खेती किसानी करके अपना घरेलू खर्चा, जो साल में जो घरेलू खर्चा होता है उसको जो है आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यानी कि खर्चा आपका कम बैठ सकता है, और ताज़ी ताज़ी आपको जो सब्जियाँ और बहुत सारे पनीपरिया आपको जो है मिल सकती है, और ताज़ा ताज़ा जो है विटामिन चीज़ें आपको खाने को मिलती है। तो अगर आप जो है आपके पास घर बाड़ी है, घर है, घर के साथ में अगर कुछ थोड़ा बहुत जो है बाड़ी भी है, यानी कि कुछ जगह हैं, तो उसमें आप जो है सब्जियां उगा सकते हैं। और बरसात के समय में अगर आप सब्जियां करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ आपको ये करना है, आपको लगा देना है, बरसात के पानी से ही हो जाता है, सिंचित करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, यानी कि बोरिंग वोरिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता। आराम से 3 महीना, 4-5 महीना आराम से जो है आप लोग खा सकते हैं सब्जियाँ, ताज़ी सब्जियाँ, ठीक है। तो दोस्तों बरसात जो आपको होता है कि जून महीने से शुरू हो जाता है, जून 15 के बाद जो बरसात लागू होते हैं, तो वहाँ पे आप जो है आराम से यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप जो है सब्जियाँ खा सकते हैं उगाकर। तो इस तरीके से जो अगर आपके कुछ, अगर आपके पास 4 डिसमिल, 5 डिसमिल, 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, या फिर जो है आपके पास आधा एकड़ ज़मीन है, आधा एकड़ ज़मीन के अंदर अंदर ही आपने घर मकान भी बना रखे हैं, तो उसमें भी जो है आप आराम से कर सकते हैं। या आपके पास जो है 20 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल भी ज़मीन है, वहाँ भी आप बढ़िया से जो है अपनी खेती किसानी कर सकते हैं, घर का आपका खर्चा निकल सकता है, यानी कि पनी परिवार, जैसे कि आपका साग सब्जियां जो है आप लोग उगा सकते हैं और ताज़ी ताज़ी साग सब्जियां खा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे घर पे भी जो है इस टाइप का है, जो मेरे पास भी जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं, यानी कि 19 डिसमिल ज़मीन है, 19 डिसमिल ज़मीन में ही मैंने घर मकान बनाया हूँ। घर मकान बनाकर जो है उसी में जो है कुछ बाड़ी में जो है साग सब्जी लगाते हैं बरसात के समय में, और बढ़िया जो है वहाँ से काफ़ी डेली के डेली वहाँ से जो पनी परिवार आ जाते हैं। और आजकल के समय में जो हमें जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट से जो सब्जी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, आराम से जो है हमारा वहीं से जो है निकल जा रहा है, और बढ़िया वहाँ से ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ डेली के डेली बनती जा रही है, और अपने साल का जो है जो खर्चा होता है साग सब्जियां में, वो पैसा आप जो बचत कर सकते हैं, इस तरीके से फार्मिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग किस तरीके से हमारे घर पे जो कैसे खेती होती है और किस तरीके से हमारा खेतियाँ हो रखा है। आप लोग भी इस तरीके से करके जो है अपना कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार जो है उसमें बीमारी होती है, तो उस जगह पे जो कुछ थोड़ा बहुत जो छिड़काव के लिए जो कुछ अगर मेडिसिन डाल देते हैं, तो आपका जो एकदम तरोताज़ा साग सब्जियां आपको मिल सकती है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है तुरई जो हुआ है, तुरई फल के फला हुआ देख रहे हैं, ये मेरा घर का ही बाड़ी में ही इसको उगाया गया है, और डेली जो है यहाँ से जो है तुरई निकल रहा है। तुरई के साथ साथ में और भी बहुत सारे सब्जियां यहाँ पर लगाए हैं दोस्तों, और इसके लिए जो है एक तो जो रंज डालना पड़ता है, रंज मतलब लकड़ी का जो छोटा छोटा जो डाली होता है ना, उसको काट कर जो है आप डाल देते हैं, तो उसमें जो है उसको उसकी जो जड़ता है उसमें उसकी जो लरंग बोलते हैं, जिससे कि उसका सब्जी का जो रहता है ना तुरई का जो है वो जो लह होता है वो जो है वहाँ पर जाकर वहाँ ऊपर जो है फलता है, इसलिए जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे जो है पेड़ का जो है डाली को जो काट काट के वहाँ पे गाड़ के रखा जाता है। अब देखें यहाँ पे हमने करेला भी लगाया है, करेला लग रखा है, इसके साथ में जो है आप बीन्स जो बोलते हैं, बोदी जिसे देहाती भाषा में बोदी बोलते हैं, बीन्स, ये भी बीन्स भी लगाया हुआ है और बीन्स भी फल रहा है। हमारे घर पे बीन्स भी खेती मतलब आ रहा है, डेली जो है हम लोग सब्जी निकाल रहे हैं घरे का ही, हमको बाज़ार से ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ हमने लगाए हैं, और यहाँ पर टमाटर के लिए खेती किया हूँ अभी, लेकिन फ़िलहाल ये टमाटर अभी रेडी नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ कुछ जो है बाड़ी के अंदर ही जो कुछ कुछ जगह में टमाटर लगाए हैं, और हरी मिर्च भी है, इसमें बैंगन भी है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैंगन फला हुआ है, बैंगन के फल मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे ये बैंगन फला है, देख रहे हैं ये,
ठीक है, और इसको जो मैं हाथ में जो लगाया हूँ जैसे तोड़ने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने बहुत सारे चीज़ें हमने खेती किया है अपनी घर बाड़ी में ही, अपनी घर का एरिया है और घर कुछ हिस्से में घर बनाया है और कुछ हिस्से में जो इधर वो भी है, और पपीता का पेड़ भी है इसी के अंदर, ठीक है, और इसमें जो है एक नींबू का पेड़ भी है। दोस्तों इस तरीके से जो है आप लोग भी जो अपने घर आंगनबाड़ी में जो है आप अपना सब्जियां उगा सकते हैं, सब्जियां उगाकर अपनी घर का खर्चा को जो है कम कर सकते हैं और आसानी से ताज़ी ताज़ी सब्जियां भी आप लोग को मिल जाता है, और सालाना जो खर्चा होता है घर का खर्चा उसमें जो है आपका बजट भी कम आ जाएगा। तो इतना बढ़िया शानदार है और आपको जो भी इस टाइप के कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा, साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले टाइम में आप लोग जमीन से रिलेटेड और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले आपको तहे दिल से नमस्कार।